विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम गांव में गुरुवार सुबह 2:30 बजे एक प्लांट में केमिकल गैस लीक होने के बाद कम से कम 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में सामने आया कि वॉल्व खराब होने की वजह से गैस लीक कर गई। वहीं इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने अस्पताल जाकर मरीजों की हालत देखी और घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया और जिन लोगों का वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम गांव में एक प्लांट से केमिकल गैस लीक होने के बाद गुरुवार को कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच रिपोर्ट में पता चला कि गैस वॉल्ट में दिक्कत होने के कारण यह हादसा हुआ। गुरुवार सुबह 2:30 बजे गैस वॉल्ट खराब हो गया और जहरीली गैस लीक हो गई। फिलहाल यह शुरुआती जांच रिपोर्ट है, अभी अधिकारियों की पूरी टीम मामले की जांच करेगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने अस्पताल जाकर मरीजों की कुशलक्षेम पूछी और घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। गैस कांड के चलते जिन लोगों का वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है उन सभी लोगों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य लोगों को जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है लेकिन वे वेंटिलेटर पर नहीं है उन सभी को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मामले की प्रारंभिक जांच कर रहे एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक अभी पता चला है कि गैस के लिए वॉल्ट नियंत्रण को ठीक से संभाला नहीं गया था और वे फट गए जिससे रिसाव हुआ। इसके साथ ही फैक्ट्री के आसपास के इलाकों के स्थानीय ग्रामीणों ने फैक्ट्री का कोई सायरन नहीं सुना, इस वजह से हादसे की चपेट में अधिक लोग आ गए। वहीं विशाखापट्टनम में अपने संयंत्र में एक बड़े गैस रिसाव के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में LGChem ने कहा कि गैस रिसाव की स्थिति अब नियंत्रण में है और पीड़ितों को शीघ्र उपचार प्रदान करने के लिए सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। कंपनी ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं ताकि रिसाव और मौतों का सटीक कारण पता चल सके। गुरुवार की अल सुबह जैसे ही गैस रिसाव की सूचना मिली एम्बुलेंस, फायर टेंडर की गाड़ियां और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल राहत बचाव का कार्य चल रहा है जिसके लिए आपदा प्रबंध की टीम को भी लगा दिया गया है। NDRF की टीमें घटना स्थल पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव को काबू कर लिया गया है। इस घटना के बाद करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने खुद को अस्वस्थ बताया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक विशाखापट्टनम में गैस लीक होने के चलते 300 लोगों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वहीं विशाखापट्टनम गैस कांड के पीड़ितों का हाल जानने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी शहर के किंग चार्ज अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि यह प्लांट गोपालपट्टनम इलाके में स्थित है। इस इलाके के लोगों ने आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, जी मचलाना और शरीर पर लाल चकते पड़ने की शिकायत की है। इस मामले पर PM मोदी भी निगरानी रख रहे हैं। PM मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि विशाखापट्टनम के पास एक प्लांट में गैस के रिसाव की खबर से दुखी हूं, जिसने कई लोगों की जान ले ली। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मैं घायलों के ठीक होने और सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि विशाखापट्टनम की घटना बेचैन करने वाली है। मैंने NDRF के तहत अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की है। हम स्थिति पर निरंतर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मैं विशाखापट्टनम के लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि विशाखापट्टनम से दुखद खबर आई है। इस त्रासद घटना के कारण वहां लोगों की मौत होने से बहुत दुख हुआ है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं विशाखापट्टनम के लोगों की सुरक्षा और कुशलता की कामना करता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना पर दुख जताते हुए पार्टी के स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैं आंध्र प्रदेश में गैस लीक के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। मैं इलाके के कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वे प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मैं अस्पताल में भर्ती लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि भयानक त्रासदी के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। भगवान उन्हें यह नुकसान सहन करने की शक्ति दे। मैं अस्पताल में भर्ती घटना के घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना को अत्यंत दुखदायी बताते हुए कुछ लोगों की असमय मृत्यु पर शोक जताया। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, विशाखापट्टनम स्थित केमिकल प्लांट में जहरीली गैस के लीक होने से
कई अमूल्य जिंदगियों के असमय काल कवलित और अस्वस्थ होने का समाचार अत्यंत दुखदायी है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को संबल देने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।